अब देखो मैं गाइस ऐसे सही लग रहा है मतलब अंदर टक करके ऐसे, बट वैसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं घर पे ही थी, मैं सोचा क्या टक करके डालूं, ऐसे सही लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी एकदम अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। सुबह के बज चुके हैं शायद 10। मैं 9:30 पे उठ गई थी और गाइस मेरे सामने अब उठ गया यार ये, और गाइस बाहर बादल लगे हुए हैं। फोरकास्टिंग में देखा बारिश बताई गई है, ठंडा भी हो रहा है आज। मैंने अपनी चाय वगैरह पी लिए, सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है मुझे बिस्तर पे, मतलब मम्मी दे देती है, फिर मैं सारे काम वाम करती हूँ। तो चलिए गाइस अब अपना दिन की शुरुआत करते हैं आज से, अभी से। मैं नहा के आ चुकी हूँ और एक घंटा लगा दूँगी नहाने में। नहाने के बाद अभी मम्मी ने बनाया है पपीता और केले का फ्रूट चाट, क्योंकि पापा और भाई का फास्ट है तो इन दोनों को तो मतलब नॉर्मल दिया, हमारे में डाला है मम्मी ने चाट मसाला। मम्मी कुछ बना रही है खाने के लिए, पता नहीं क्या बना रही है यार गाइस, भूख भी लग रही है। रुकना, यस गाइस। तो चलिए गाइस फ्रूट चाट मैं पहले खा लेती हूँ, तो जल्दी से फिर आपसे बात करते हैं। मम्मी ने इसके लिए बनाया इसके लिए बनाया है साबुदाने की खीर, साबुदाने क्योंकि इसने सारे व्रत रखे हुए हैं ना गाइस, तो फिर इसलिए अब हम भी खा लेते हैं इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स आज मैं मेकअप शूट कर रही हूँ बिगनर्स के लिए अंडर 200, तो आप मेरे को इंस्टा पे देखना, मैंने इंस्टा पे रील अपलोड करी है और प्लस शॉर्ट्स में भी है, तो ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और चाहिए तो आप DM करना, मैं ज़रूर शूट करूँगी। गाइस जब मैंने मॉर्निंग में अपना मेकअप वाली वीडियो शूट करी ना, उसके बाद से मेरे स्टमक पेन हुआ लगभग 1-1.5 बजे से चालू हुआ, फिर मैं सो गई थी खाना वाना खा के, मतलब 1-1.5 बजे मैं सो गई थी और मैं अभी उठी हुई हूँ 5:40 पे। और मम्मी ने चाय और बिस्किट दी है, ये भी सो रहा था, देखो बिस्किट के नाम से कितनी जल्दी आ गया। और आज ठंडा भी हो रहा है, पता नहीं क्यों पेट में दर्द बहुत ही गंदा वाला, मतलब इस साइड में लेफ्ट साइड में बहुत ही तगड़ा था पेट में दर्द, अब तो खैर ठीक है। मैंने सोचा अगर ठीक नहीं होगा तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, देखते हैं गाइस अब चाय को पीती हूँ उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये बिस्किट है गाइस, मैं इसको दे नहीं रही हूँ, ये अपने पे हाथ ले आया यहाँ पर और मुझे कह रहा है बिस्किट दे मुझे, जबकि ये इनके लिए इतना नुकसान करते हैं, पर ये क्या करें, ये मानता ही नहीं है, ये रो देता है, देखो कितनी दिक्कत में बैठा हुआ है, अब खुश हो जाएगा। चलो अब मुझे खाने दे यार, सब तू ही खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगी। गाइस मैं अभी डॉक्टर के पास आई थी, डेंटिस्ट के पास, और मुझे पता चला कि मेरे 4 दांतों में कैविटी है, अब क्या करूं, फिलिंग होगी। अभी मम्मी के साथ आई हुई हूँ मैं, कैमरा ब्लिंक हो रहा है लाइट की वजह से हो रहा होगा शायद। गाय ये नहीं है, ये तो फिलिंग है, यहाँ चार कैविटी भाई, अब करवाते हैं इसका भी इलाज, अभी एक में फिलिंग करवा लेती हूँ फिर बाकी कल लाऊंगी, कल परसों में करवाने के लिए। गाइज अभी से मैंने अपने दो मतलब दांतों से कैविटी हटाई है, और गाइज हम लोग मतलब फटाफट आ गए क्योंकि बारिश पड़नी चालू हो गई है। देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी ना बादल घर जाने की, तो गाइस अब हम बस घर जा रहे हैं, अगर हम भीग जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना गाइस, तो फिर इसलिए गाइस अभी गए थे हम बस
आधे घंटे का फेरी हुआ है, देखो इतने में कैसे सो गया प्यार करने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे डोलू को ना बारिश बहुत पसंद है, तो ये और मैं यहाँ पे हाफ एन आवर से बैठे हुए हैं जब से मैं डेंटिस्ट के पास से आई हूँ। तो ये ना ऊपर जाने के लिए कर रहा था, मतलब मेरा पैर पे ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं ऊपर आई तो ये देखो यहाँ पे मस्त बैठ के बारिश इंजॉय कर रहा है। मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बारिश में नहाना और बारिश में बैठना, ऐसे बैठ के देखना बारिश को। देखो कैसे मस्त बैठा हुआ है, पट्टा भी मतलब खुलवा दिया इसने बारिश में बैठने के लिए। डर्ली गाइस, देखो भीग कर आ गया, देख रहे हो। अब इसको ड्रायर से सुखाना पड़ेगा, कई बार तो हमें पता है शटर लगाना पड़ता है यहाँ का। ये देखो देखो चला गया। गुलिया चलो आओ, चल रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं यहाँ पे उठ के झाड़ू पोछा करके नहा के पूरा रेडी हो गई थी। तो आज मैंने कुछ अलग सी ड्रेस पहनी थी, जो मैंने पहना था गाउन, आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर था, बट थोड़ा पहनने में अनकंफर्टेबल था घर पे, क्योंकि घर पे हमें काम वाम करना होता है, तो वो पैरों के बीच में आ रहा था। तो मैंने मतलब गाउन वाउन पर पहनने के बाद मैंने अपना हल्का सा स्किन केयर किया। स्किन केयर ऐसा कुछ था नहीं, बस मैंने टोनर लगाया और मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, आप देख सकते हो मैं आपके सामने कर रही हूँ। और बस फिर मैं हो गई थी रेडी। फिर मैंने सोचा कि मैं रील्स बनाती हूँ फिर गाइस, फिर मेरा रील्स बनाने का भी मन नहीं हुआ। पता नहीं घर पे ऐसे सुस्ती से छा रही है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो गाइस आप बताना। और देखो पीछे से आती है मेरी मोटो, ऊपर से हाय हेलो ऐसे करती है और फिर भाग जाती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमें खाना भी खाना था। और चलिए गाइस अब देखते हैं आगे का क्या सीन है मेरा। बाय बाय गाइस। तो गाइस मेरे को वॉइस ओवर इसीलिए करना पड़ा क्योंकि बाहर से कूड़े वाली गाड़ी आई थी, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका स्पीकर बज रहा था हमारे घर के बाहर से ही, तो इस वजह से। तो आज मेरा मन करा कि मैं थोड़ा सा मतलब सही से रेडी हूँ, आज मैंने लॉन्ग ड्रेस पहनी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने ड्रेस पहनी भी है तो मैं क्यों ना अपना हेयर स्टाइल भी कर लूँ। अब समझ नहीं आ रहा कौन सा, तो सोच रही हूँ यहाँ पे ऐसी चोटी बना के एक पोनी कर लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊँगी। अपने कपड़े चेंज कर लिए, उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैं अभी जा रही हूँ ऊपर। देखते हैं, मैंने सॉक्स पहने हुए हैं क्योंकि पैर ना ड्राइनेस हो जाती है और फिर ख़राब हो जाते हैं। मैनीक्योर पेडीक्योर वगैरह सब करवाया मैंने भी, तो फिर इस वजह से। मम्मी है यार ऊपर, धूप। जैसा मैंने आपको बताया कि नहीं बताया पता नहीं, पहले मैं कैमरा सेट कर दूँ कि सुबह हमने खाया था वो आलू, ठीक है, बॉइल आलू, उससे पेट नहीं भरा। अभी तो मम्मी बना रही है दाल चावल, ठीक है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं केले काटूँ अपने लिए, तो केले खा लेती हूँ। मम्मी बना रही है कौन सी दाल है, अरहल मन के की दाल बना रही मम्मी। और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं आपको दिखा भी दिया था, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल से फील हो रहा था, तो मैंने ये शॉर्ट्स और ये टॉमी की अपनी स्वेट शर्ट डाली। ये पहना है मैंने, ठीक है। अब ये आंटी जी आई मेरे से, कह रही तुम्हें नीचे तो गर्मी लगी है ऊपर तो मैं ठंड लग रही है। उन्हें क्या बताऊँ मैंने ये क्यों पहनी हुई है। गाइज आप मानोगे, इसको मैंने लास्ट ईयर लिया था, शायद टॉमी से ही लिया था, DLF से। मेरे पास बिल नहीं है क्योंकि मैंने नहीं मतलब पेमेंट करी थी। और गाइज इतनी महंगी थी ये स्वेट शर्ट और मैंने पहनी नहीं है एक भी बार। मतलब वहाँ तो मेरे को स्टोर पर सही लगी, बट फिर जब मैं घर पर आई तो मुझे फिर पसंद नहीं आई। बट फिर आज मैंने ज़बरदस्ती डाल ली, मैंने कहा यार बहुत महंगी है ये, तो क्यों ना पहन लेते हैं। तो चलो गाइज अब ये पहले हम खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं यार। गाइज हमारे घर में दिन में कोई सोए ना सोए पर हमारा डोलू ज़रूर सोता है। आप देखो कितनी मस्त चाल में सो रहा है, और उसको मतलब सोने के लिए भी पिलो चाहिए। और अगर किसी ने मतलब बाई चांस पिलो उसका हटा लिया तो देखो ये अपनी कैसे आँख दिखाता है सामने वाले बंदे को, और फिर हम इससे नहीं छीनते मेरे प्यारा बेबी। ये पेपर देकर आया हुआ है अभी, इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है क्योंकि
और इसका पता है इंस्टा पे वो क्या स्टेटस, भाई दिखाइयो इंस्टा दिखाइयो एक बार गाइस आप भी बोलोगे ठीक है कुछ खुल गया आप तो नीचे नीचे देख आप ओनली हनुमान जी ही बिजनेस में पास करवा सकते हैं। बिजनेस का पेपर देखा है भाई और इसका है फास्ट ठीक है, इसमें सारे फास्ट रखे हुए हैं। तो ये अभी अपने आलू जो गर्म कर रहा है तेरा फ्रिज, इनको ना भाई मतलब फेट में टूट जाएंगे ये, इनको ऐसे रहने दे गर्म हो जाएंगे। हाँ गाइस पेपर देकर आया है लौंडे आज बिजनेस का। तो गाइस वैसे ही था एक छोटा सा व्लॉग, कुछ मेरे पास है नहीं ऐसा कि मैं कुछ करूँ। मैं एक बार आपको अपने आउटफिट दिखा देती हूँ, दिख रही हूँ मैं कैसे ले लूँ जोकर से, अब देखो मैं गाइस ऐसे सही लग रहा है मतलब अंदर टक करके ऐसे, बट वैसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं घर पर ही थी, क्या टक करके डालूँ ऐसे सही लग रहा। तो बस यही था एक मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझसे ना प्यार देना। आई लव यू गाइस, बाय बाय जी, राम राम, अल्लाह हाफिज़।